देखो 2012 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से है, y माइनस log हो गया। अब इनका सॉल्यूशन देखो, डीवाई बाय उसके बाद है कि पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, तो देन सो डेट डीवाई बाय डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा इसमें देखो करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बटा डी एक्स, इसमें भी डी बटा डी एक्स से गुना करेगा, इसमें भी डी बटे डी एक्स से गुना करेगा। उसके बाद हो गया लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, वन बटे एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, वन बटे एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स के स्थान पर है, एक्स के स्थान पर क्या है, टेन टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ये चीज है। उसके बाद देखो, अच्छा टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक स्क्वायर एक्स होता है ना। एक्स के स्थान पर क्या है, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। देखो पहले किसका होता है, लॉग का डिफरेंशिएट, फिर किसका होगा, टेन का डिफरेंशिएट, और फिर किसका डिफरेंशिएट होगा, इनका होगा ना। तो पाई बाय फोर का डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो। एक्स बाय टू का क्या होगा, वन बाय टू, क्योंकि एक्स का क्या हो गया, एक्स का डिफरेंशिएट समझने कुछ है जी। लॉग देखो इसमें तीन को डिफरेंशिएट होगा, कौन सा होगा, एक लॉग का होगा, एक और एंगल का नहीं, ऐसा ही होता है। तो देखो लॉग का क्या होता है, वन बटे एक्स, एक्स के स्थान पर पूरा मान है, इसलिए समझ लो ये एक्स है। फिर क्या होगा टेन का, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल नियम। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या है, ये मान है रख देगा, फिर ये पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट है, इनका मान जीरो हो गया, ये प्लस हो गया, एक्स बाय टू एक्स का वन हो गया, वन बाय टू हो गया, है कुछ इसमें, बोलो इस सवाल में कोई दम है नहीं है। अब देखो टेन को हम क्या कर सकते हैं, बोलो तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का मान कितना है, पाई बाय फोर प्लस क्या हो गया, एक्स बाय टू। ये देखो कोस यहाँ पर होगा, इसके एंगल में क्या दोगे, वही ना पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, यही चीज देना है। अच्छा यहाँ पर जो ये जो सेक है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बटे कोस, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बाय कोस थीटा। तो वन बटे क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान क्या है, पाई बाय फोर एक्स बाय टू, ये वन बाय टू। देखो यहाँ पर दो गो कोस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या वो कोस है, ये वो कोस न है जी, कट गया ना। अब उसके बाद देखो ये वन बाय टू हो गया, वन बाय टू, और फिर यहाँ पर आपको जो मान है ये साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू इंटू कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू।
अब देखो ये वन बाय हो गया। अच्छा टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? साइन टू एक्स होता है ना, ये साइन टू एक्स मतलब दो जो है ये जो मान x है समझ लो ये पूरा मान एंगल में गुना होता है। दो किस में गुना होता है? एंगल इसका क्या है पाई बाय फोर प्लस इसमें दो से गुना करो, इसमें दो से गुना करेगा तो दो दूनी तो क्या होगा पाई बाय टू जी सर क्या होगा टू प्लस एक्स दो दूनी चार पाई बाय टू इसमें दो से गुना कर दिया खत्म हुआ। बोलो साइन पाई बाय टू प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन पाई बाय टू प्लस नब्बे डिग्री में झुके या घटे साइन कोस में बदलता है जी जी। तो साइन देखो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन नब्बे डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा? कोस थीटा में होता है, साइन नब्बे डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? तो क्या होगा थीटा का मान एक्स है, एक्स हो गया ना, और वन बटे कोस एक्स किसका मान होता है? सेक एक्स का, सेक एक्स का। तो सेक अब यहाँ पर देखो तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या हो गया? सेक एक्स या डी वाई बाय डी एक्स माइनस सेक एक्स हो गया ना प्रूफ। डी एक्स देखो डी वाई बाय डी एक्स तो पहले इसका कर लो, ये यू हो गया, ये क्या हो गया? एक बार यू का करो, बी को स्थिर रखो, यू का क्या होगा? एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर, ये कोस एक्स होगा। उसके बाद देखो फिर अब कौन स्थिर रहेगा? एक्स क्यू। अब कोस का क्या होता है? माइनस साइन, यही पढ़ा डी एक्स फाइंड करना समझ गया। स्टेटमेंट ये पहले जो है ना कथर कारण नहीं लगाना है, ये इस प्रकार से है y बराबर एक्स क्यू कोस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का मान जो ये निकाल के दिया है एक्स क्यू मतलब वैल्यू भी दिया रहता है वैल्यू भी इनका डिफरेंशियल भी दे दिया थ्री एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पर क्या है कोस एक्स है मिलाओ तो क्या सही है? नहीं नहीं गलत तो कथन एक गलत हो गया। अब कथन दो जो है इसका ये डी यू डी का फॉर्मूला है यू डी वी बाय डी एक्स प्लस डी यू बाय डी एक्स ये डी यू बाय क्या हो गया डी एक्स। तो बोलो क्या बचेगा इस कथन के बारे में क्या कह सकते हो? कथन एक गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो क्या है? सही है, सही है। तो कौन ऑप्शन होगा? डी डी होगा। समझ गया कथन कारण वाला सवाल किन समझा? अगर मान के चलो कि ये चीज यहाँ पर जो है ये चीज यहाँ पर रहता तो हम क्या कहते कि कथन एक सही है, कथन दो भी सही है, लेकिन कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या है क्योंकि इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसको तोड़े हैं, नहीं होता सही व्याख्या जी माइनस लगा रहा कहीं कहीं क्या रहेगा कि वो एक चीज अलग रहेगा समझ गया, कथन दो में अलग चीज रहेगा दोनों सही रहेगा। तो कथन एक सही है कथन दो भी सही है उसमें टिक मारेगा मोटका मांस यार के पकड़ने मोटका मांस यार ये सब छे तोरा आर के पकड़ल नहीं जाय छो जाके प्रोफेसर आर के पकड़ते त नै। अरे दोनों देखो कि प्लस है 2011 के क्वेश्चन में दोनों प्लस है देखो जी समझ नहीं है जी इसमें कोई शक नहीं है नहीं। ये हो गया ना सेक इनवर्स है सेक इनवर्स है देखो ये इधर पलट क्या आएगा क्या होगा एक्स प्लस वाई यहाँ पर क्या रिलीज हुआ एक्स प्लस वाई
अब देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स खत्म कर दो डी बटा डी एक्स सेक एक्स प्लस वाई डी बटे डी एक्स एक्स प्लस वाई। अच्छा सेक का क्या होता है sec x into tan x sec x और इंटू क्या होता है tan x x के जगह x प्लस वाई है तो x प्लस वाई रखेगा जी। फिर देखो ये तो sec का हो गया ना, अब ये इसका भी ना डिफरेंशिएट होगा जी। x का क्या होगा डिफरेंशिएट ये होगा तो y का क्या होगा dy by dx। फिर इसमें करो x का वन हो उधर से आया था पति नहीं लगती था कुंदन कुमार कुंदन भाई खान का ये हो गया। देखो इनको क्या करो माइनस कॉमन लेके ऊपर वाले फॉर्म में ले आओ डीवाईडी एक्स का मान कितना आया माइनस 11 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्स जोड़ वाई बराबर क्या है सेक इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो देखो इनको इधर पलटाएगा तो इनवर्स खत्म क्या रिलीज होगा एक्स प्लस वाई। एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो अब देखो ये डी बटा डी एक्स दोनों तरफ गुना हो जाएगा डी बटा डी एक्स दोनों तरफ क्या होगा गुना होगा सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो सेक x इंटू टेन एक्स क्योंकि x के स्थान पर क्या है x प्लस वाई एंगल में क्या है x प्लस वाई x प्लस वाई यहाँ पर भी होगा होगा कि नहीं होगा तो x प्लस वाई का भी ना डिफरेंशिएट होगा नहीं होगा जी। पहले किसका होगा डिफरेंशिएट सेक का और फिर इसके एंगल का भी ना डिफरेंशिएट होगा तो सेक का डिफरेंशिएट ये सेक x टेन x हो गया यानी x के स्थान पर क्या है x प्लस वाई और यहाँ पर क्या भी होगा ये भी ना होगा x प्लस वाई। अब x का डिफरेंशिएट एक होता है y का क्या होता है dy by dx। अब देखो x का डिफरेंशिएट क्या होगा एक y का क्या होगा dy by dx। इस मान को एक बार हम एक में गुना करेंगे एक बार किसमें गुना करेंगे dy by dx कर दिए ये वन यहाँ पर आपको देखो ये जो है ना dy by dx ये इधर प्लस में इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर एक बच जाएगा भी बच जाएगा ये बच गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर dy क्या है dx ये आपको हो गया यहाँ पर माइनस यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा नहीं बचेगा जी यहाँ से dy dx लेगा ये निकल गया ये मान बचा ये मान देखो यहाँ पर है ना यहाँ से dy/dx निकालेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर एक नहीं बचेगा
ये आपको एक हो गया, ये प्लस में इधर आया तो क्या होगा माइनस में होगा। चलिए ये इधर गुना में तो इधर अब क्या होगा आ गया भागा में। ऊपर वाले फोर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना होगा। चाहे ऊपर वाले में माइनस कॉमन लो कि नीचे वाले मान कॉमन लो, बात बराबर ही होगा। तो हम नीचे वाले से कॉमन ले लिए, ये जो माइनस एक है तो अब क्या हो जाएगा प्लस एक, चिन्ह बदल जाएगा, जो निगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है क्योंकि माइनस कॉमन लिए वही चीज आ गया। तो नीचे वाला जो मान है ऊपर वाला फॉर्म को कर लिया दोनों ऑब्जेक्टिव। ये पांच नंबर देखो किस ऑप्शन में है, x टू द पावर x है सर, x टू द पावर x है, तीन नहीं है, नहीं x है। अगर नहीं भी है इसमें तो दिया हुआ है ना, इसमें तो x है, x टू द पावर x दिया है, x है। चलो उस पर भी बनाते हैं, कौन होगा तब भेज जाएगी x पावर x ऐसे है। तो एक चीज याद रखो, ये पावर जो है किस में आता है, ये डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना। अच्छा ये यू हो गया, ये क्या हो गया जी, एक्स का डिफरेंशिएट एक होता है। फिर देखो एक्स रहेगा ही, लोग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है वन बाय एक्स, ये कट गया तो वन प्लस क्या होगा लोग एक्स, किस ऑप्शन में है तो नहीं नहीं है नहीं है तो डी होगा, डी हो सकता है। जैसे वन को हम क्या लिख सकते हैं लॉग ई, लॉग ई का मान कितना होता है वन होता है, तब होगा। इनको हम ई एक्स लिख सकते हैं, तो किस ऑप्शन में है सी में, हाँ अगर सी में या ऑप्शन या नहीं रहता जो है लोग ई एक्स तब डी आंसर, तब डी हो जाता है।